हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 19 सेकंड ईयर फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चंस। चैप्टर का नाम है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के ना है तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन, 27 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में है। तो इसलिए हम इसकी दो वीडियोस बनाएंगे, एक वीडियो जिसमें हम हाफ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 13-14 और बाकी के हाफ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इस चैप्टर में जब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्टली वो एक्सरसाइज से पिक कर लिए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इन सबके आंसर बहुत शॉर्ट हैं, तो तैयार करने में मोस्टली आपस में मिलते जुलते भी हैं, तो तैयार करने में इतनी ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो अगर आपने इसके अंदर 2-3 फार्मूलेज अगर आपको वो अच्छी तरह आते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम भी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो कहता है, मैं इधर पढ़ता हूँ, आप भी अपनी बुक पे देख के पढ़ें और फिर देन समझते हैं। अगर नोट डाउन करना तो आप कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑन विच टू ऑब्जर्वर्स इन रिलेटिव मोशन विल ऑलवेज एग्री अपॉन, ठीक है। वो कौन सी ऐसी दो मेजरमेंट्स हैं जिनके ऊपर दो लोग जो रिलेटिव मोशन में हैं वो रजामंदी इख्तियार कर लेते हैं। हमने कहा भाई सबसे पहले तो सर हमें ये बताएं कि रिलेटिव मोशन होती क्या है, ठीक है। तो पहले हम रिलेटिव मोशन को देखते हैं, देन फिर हम टॉपिक की तरफ यानी कि क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में देखी थी। रिलेटिव मोशन क्या चीज़ है? रिलेटिव मोशन ये है कि अगर मैं देखो कैमरे की तरफ आ रहा हूँ, तो जिस रफ्तार से मैं कैमरे की तरफ आ रहा हूँ, स्टेशनरी कैमरे की तरफ, उसी रफ्तार से कैमरा भी मेरी तरफ आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव मोशन, ठीक है। इसको यूँ समझते हैं कि अगर ये कोई कार है, ये एक स्टेशनरी, लेट्स सपोज ये दरख्त है, इसकी तरफ जा रही है ऐसे, तो अगर लेट्स सपोज ये 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो ये दरख्त भी 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कार है, लेट्स सपोज ये इधर जा रही है, और एक और कार है वो इसकी तरफ आ रही है। ये ए कार है, ये बी कार है, ठीक है। ये आ रही है लेट्स सपोज 10 किलोमीटर पर आवर, और ये आ रही है जी 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा भाई इनकी अब रफ्तार क्या होगी रिलेटिव, तो इनकी रफ्तार टोटल रिलेटिव रफ्तार हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। समझ आ गई बात की। ये होती है रिलेटिव मोशन के, दो लोग जब मोशन में हों या ना भी हों, एक मोशन में हो तो उनके दरमियान में जो डिफरेंस इन जो वेलोसिटीज की वजह से आ रहा होता है, हम कहते हैं भी दोनों ये किस में है, रिलेटिव मोशन में। इसका मतलब है मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट मीन फिक्स नहीं है कि आप कह दो भी सर मैं इसके लिहाज से जा रहा हूँ। ये भी किसी ना किसी के लिहाज से हरकत में है, ठीक है, लिहाज से एक किसी के रेफरेंस से, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि मोशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव मोशन। अब दो लोग जो रिलेटिव मोशन में हैं, जैसे कि ये और ये रिलेटिव मोशन में है, तो अब हमने देखना है कि ये किस चीज़ पर रजामंद होंगे और किस चीज़ पर रजामंद नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको देखते ही हूँ। अच्छा, ये लेट सपोज आपके पास ये सेम अगेन एक कार है, और इसके अंदर से एक हॉर्न बज रहा है, ठीक है। उस हॉर्न की कुछ ना कुछ एक आपको पता है फ्रिक्वेंसी होगी या वेव होगी, ठीक है। और एक इधर है हमारे पास कार, वो अपनी स्पीड से आगे जा रहा है। लेट्स सपोज इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है जी 20 किलोमीटर पर आवर, और ये पीछे से हॉर्न बजा रहा है ऐसे ज़बरदस्त तंग करने के लिए है। तो होगा क्या कि आप कहोगे सर इसकी स्पीड में ये जो हॉर्न है जो कार के अंदर बैठा हुआ है जो इस कार में है ये ग्रीन वाली में, उसको तो बड़ा बेहतरीन हॉर्न सुनेगा। वो कहेगा सर हॉर्न में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा, वही चल रहा है हॉर्न। लेकिन आप देखोगे कि इसको जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी इसे हॉर्न कम सुनना शुरू हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्वेंसी में इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा। अब फ्रिक्वेंसी का जो इफ़ेक्ट है उसके साथ ये कहेगा सर अब स्पीड उसकी बहुत कम है हॉर्न की। ये कहेगा सर, मैंने कहा भाई इसकी कितनी स्पीड होगी? इसने कहा सर साउंड की 333 जमा बाकी आप इसको मीटर पर सेकंड में निकालें तो वो इसकी स्पीड दोनों का सम होगा। अगर ये स्पीड बढ़ेगी तो ओवरऑल बढ़ेगा, अगर ये स्पीड कम होगी तो ओवरऑल साउंड की स्पीड कम होगी।
डॉपलर इफेक्ट में देखा था, ऐसे ही है। लेकिन अब इनको ये इस पे तो रजामंद नहीं हो रहे, लेकिन हम एक और चीज़ लेते हैं, वो ये थी इस चैप्टर के अंदर हमने पास्टुलेट पढ़े थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, वो ये कहता था कि अगर इसकी बजाय साउंड की बजाय इसमें से लाइट ब्लिंक कर रही हो, क्या चीज़ लाइट ब्लिंक कर रही हो, तो जो लाइट ब्लिंक कर रही होगी उसकी स्पीड इसके लिए और इसके लिए, वो दोनों के लिए क्या होगी, सेम। यानी कि इस चीज़ पर इन दोनों का इत्तिफाक हो जाएगा कि स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट, यानी कि ये ज़्यादा कम नहीं होगी। इसकी एग्जांपल आप पहले वाले में साउंड की बजाय ये भी ले सकते हो कि भाई आपके पास पीछे कोई चीज़ आ रही है, उसमें से आते उसने एक बाल फेंकी आपको, तो आपको सर इस बाल की टोटल वेलोसिटी कितनी है, पहले वाली वेलोसिटी जिसमें जब वो बंदे के हाथ में थी और वो बंदा किसी कार में था वो, प्लस उस बाल की वेलोसिटी नहीं। लेकिन अब क्या होगा कि अगर यही चीज़ इसके साथ किसी भी रफ्तार से आए, ये लेट्स सपोज 10 की रफ्तार से आ रही है, या अब अगर इसे मैं मीटर पर सेकंड में करता हूँ आसानी के लिए, मैं कहता हूँ ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो इधर से जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आएगी 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप ये नहीं कह सकते अब कि सर जो नई स्पीड बन गई है वो लाइट की हो जाएगी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड ऑफ द कार, ये कहना क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपका ऑब्जर्वर या जो सोर्स है वो किसी भी रफ्तार से चलें उन दोनों के लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, सेम रहती है, ये ना बढ़ेगी ना कम होगी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, आगे इसी का दूसरा पास्टुलेट था, ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन इनिशियल फ्रेम्स। तो सबसे पहले फ्रेम देख लेते हैं, फ्रेम क्या है कि जिसके अंदर कोई भी इवेंट प्लेस हो रहा है, जैसे कि ये इस वक्त रूम है तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके अंदर ये लेक्चर डिलीवर हो रहा है, तो ये लेक्चर डिलीवर के लिए आज मैं कहूँ भाई मैं इस फ्रेम में खड़ा हूँ इस वक्त, ठीक है, और ये फ्रेम कहाँ पर है, अर्थ पर है, तो अर्थ की जो मोशन है वो आपको पता है तकरीबन इनिशियल है, तो हम कहते हैं भाई ये इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये लॉज ऑफ फिजिक्स सेम है, यानी कि अगर कोई काम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक हिस्से में हो रहा है और किसी और ऐसा भी फ्रेम जो कि इनिशियल फ्रेम है उसके अंदर वो काम होगा, तो वो दोनों के लिए कैसा होगा, सेम होगा। मींस कि अगर इस रूम में कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए और ये रूम इनिशियल फ्रेम है, अभी मैंने बताया अर्थ के लिहाज से क्योंकि अर्थ इनिशियल फ्रेम में लाई करती है, तो ये एक्सपेरिमेंट इधर हो गया। अब यही एक्सपेरिमेंट आप किसी ऐसी ट्रेन में करो जो इनिशियल फ्रेम शो करे, इनिशियल फ्रेम क्या है, इनिशियल फ्रेम वो होगा जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, ज़ीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, ज़ीरो, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, इनको यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलाओ, अब उसके अंदर वही एक्सपेरिमेंट करो तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम। तो आपको क्या, लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन इनिशियल फ्रेम्स, या अक्सर की बुक्स में इसी को लिखा हुआ है, फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट्स, कौन से ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्सेस क्या होती हैं, सेम होती हैं, अगर वो सारे किस में हो, इनिशियल फ्रेम में। ठीक है जी, ये दो पास्टुलेट थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आगे वाले क्वेश्चन रिलेटिवली काफ़ी आसान है, ये 2-3 के पास। अच्छा, डज द डायलेशन मीन दैट टाइम रियली पासिस मोर स्लोली इन अ मूविंग सिस्टम और दैट इट ओनली सीम टू पास मोर स्लोली। अच्छा, बड़ा कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन बना दिया, कि वो कहता है कि टाइम डायलेशन का हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक के मुताबिक आपने कहा था सर जो न्यू टाइम है वो T0/1 - V² / C² है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ हरकत में हो तो उसका नया टाइम बन जाता है, और जब वो रेस्ट में होती है उस वक्त जो टाइम होता है वो T0 कहलाता है, और T0 का नाम हमने रखा था प्रॉपर टाइम। ठीक है, यानी कि आप कह लो भाई एक तरह का फिक्स टाइम, और टाइम ये जब वो किस में हो, मोशन में, तो उस वक्त जो टाइम होगा वो क्या कहलाएगा, उसका जो नया टाइम बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि वो कहता है कि ये T0 और ये T आ गया, तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर कोई चीज़ हरकत में हो तो V की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, आप पुट करेंगे इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, ऐसे ज़रब शरब खाएगा तो T की कुछ ना कुछ वैल्यू इसके लिहाज से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये वो पूछता है कि क्या ये वाकई में ही चेंज होती है, यानी कि क्या ये मैथमेटिकली चेंज होती है, हकीकत में चेंज नहीं होती, हकीकत में या ऐसा सिर्फ फील होता है या हकीकत में भी चेंज
होती है। यस, ये टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, ये भी क्या होता है आपकी मोशन के लिहाज से चेंज होता है। अब मैं आपको इसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये एक किसी भी इलाके के अंदर ये आपका लगा हुआ है, ये क्या कहते हैं इसे, क्लॉक टावर, ठीक है। इसके सामने एक पटरी जा रही है और वो पटरी लॉ महदूद लंबे चल रही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि आप इस में बैठे इधर हो, ये कोई ट्रेन है इस पटरी के ऊपर और आप इसमें बैठे हो और ये एट रेस्ट है, वी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, समझ आ रही है। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि आप कहोगे सर ये ना तकरीबन पूरे 3 बज गए। मैंने कहा हाँ भाई यार 3 बज गए हैं। 3 कैसे बजे? क्लॉक के ऊपर लाइट गई स्ट्राइक करके आकर मेरी आंखों पे आई, जब उसने स्ट्राइक किया तो मुझे लगा कि भाई ये स्विच बिल्कुल इधर आई है तो 3 बज गए, समझ आ गई बात की। अब अगर ये ट्रेन चलना शुरू कर दे, ये ट्रेन इस तरफ चलना शुरू कर दे कुछ कुछ ना कुछ वेलोसिटी से, तो अब क्या होगा, लाइट गई टकरा कर वापिस आ रही है, लेकिन जब वो जहाँ पर उसने पहुँचना है मैं तो उससे आगे जा रहा हूँ, मैं तो आगे जा रहा हूँ ना, वो लाइट मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है, जब तक मेरी आँख पर स्ट्राइक नहीं करती मुझे तो यही लगेगा कि 3 नहीं बजे, और जब स्ट्राइक करेगी तो मुझे लगेगा 3 बज गए। अब जब मैं इधर था तो 3 तब बज रहे थे, लेकिन अगर मैं बहुत आगे चला गया हूँ और फिर जाकर लाइट ने मुझे पकड़ा, यानी कि बहुत दूर जाकर लाइट ने पकड़ा और वो 3 बजे वाला स्ट्राइक का जो लाइट का इन्फॉर्मेशन थी वो तब जाकर मेरी आंख पे लगी, तो मुझे तब लगेगा 3 बजे। तो क्या हकीकत में टाइम मेरे लिए क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है? यानी कि एक सिंपल सी एग्जांपल थी, तो ये क्या टाइम, मैं जब मोशन में हूँगा तो जब वेलोसिटी की कुछ ना कुछ अच्छी खासी वैल्यू होगी तो टी की अच्छी खासी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो मेरे लिए मुझे क्या लग रहा है कि टाइम कैसे पास कर रहा है, स्लो स्लो, ठीक है। और अगर सपोज कर लें कि मेरी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो गई है, मेरी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना शुरू कर देता हूँ, किससे, स्पीड ऑफ लाइट से, तो मुझे बताएं कि मेरे लिए टाइम क्या होगा। देखो लाइट आ रही है और लाइट भी उसी रफ्तार से जा रही है, यानी कि ये लाइट, ये मैं हूँ और ये लाइट है, अगर ये लाइट उसी रफ्तार से आ रही है और मैं भी इसी रफ्तार से जा रहा हूँ तो ये लाइट कभी भी मेरी आंख तक नहीं पहुँच पाएगी, तो मुझे तो यही लगेगा कि 3 तो बज ही नहीं रहे, यही लगेगा कि 3 तो बज ही नहीं रहे। इसका मतलब है कि टाइम मेरे लिए क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, समझ आ रही है बात की। तो आप इसे पुट करके देख लेते हैं हम, तो टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, आप वी की जगह सी पुट करें तो आप देखेंगे टी नॉट ओवर 1 माइनस सी स्केयर ओवर सी स्केयर, ये कट गया तो आया 1, तो आप देखेंगे जो नया इस पूरे का आंसर बनेगा वो इनफाइनाइट यानी कि इनफिनिटी बनेगा, तो मेरे लिए टाइम क्या हो जाएगा, लामहदूद। इसका मतलब है टाइम हकीकत में ही स्लो डाउन होता है, ठीक है जी। ये थे आपके 2 क्वेश्चंस, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 से काफ़ी मिलता जुलता है, तो दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस फिजिक्स की दवा क्या है, लो फिर दवा देख लो। अच्छा, इफ़ यू आर मूविंग इन अ स्पेसशिप, यानी कि मैंने आपको स्पेसशिप में भेज दिया, ठीक है, एट अ वेरी हाई स्पीड, लेट सपोज वो स्पीड जो है हम क्या लेते हैं कि भाई जो स्पीड है वो 0.8 ऑफ सी है, यानी कि ऐसे समझ लो कि स्पीड ऑफ लाइट का 80%, ठीक है, इस रफ्तार से भेज दिया। वट वुड यू नोटिस अ डिफरेंस इन योर पल्स रेट, के आपकी जो पल्स रेट है उसमें आपको क्या फ़र्क महसूस होगा, या इन दी पल्स रेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ, यानी कि आपकी पल्स रेट को कंपेयर किया जाएगा जब आप रेस्ट में हैं और जब आप इस स्पीड पे एक स्पेसशिप में जा रहे हैं, ठीक है, और जब आप इस स्पीड में स्पेसशिप में जा रहे हैं तो तब आपकी पल्स रेट को दोबारा कंपेयर किया जाएगा आपकी पल्स रेट के साथ और अर्थ पे जो लोग रेस्ट में, यानी कि जो अर्थ से जब आप गए तो एक किस्म के आप रेस्ट पे थे तो उसके लिहाज से अब आपकी पल्स रेट। पल्स रेट होती क्या है, पल्स रेट होती है, ये आपको मेडिकल का बंदा बड़ा अच्छा बता देगा, नंबर ऑफ पल्सेस आगे टाइम, कि उनको कितना टाइम लग रहा है, जैसे कि मोस्टली हम कहते हैं भी 72 होती है, वो 72 क्या होती है कि आपकी एक मिनट के अंदर दिल की जो धड़कन है वो एक मिनट के अंदर कितनी बार दिल धड़कता है, जो कि डॉक्टर से नब्स पकड़ के चेक करता है, नब्स जिसे हम बोलते हैं, नंबर ऑफ पल्सेस ऑफ टाइम, क्या इधर टाइम का फैक्टर आ रहा है, हमने कहा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं मोशन में हूँ या रेस्ट में हूँ
तो क्या ये टाइम इस टाइम के बराबर होगा? आपने कहा सर नहीं, अभी हमने टॉपिक पढ़ा है कि अगर आप मोशन में हो तो आपका टाइम कुछ और है, और अगर आप रेस्ट में हैं तो आपका टाइम कुछ और है। क्लियर? अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब है कि जब मैं अर्थ पे था तो मेरे लिए टाइम कुछ और था, और जब मैं मोशन में तो कुछ और है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मोशन में हूँ तो अब आपने पल्स रेट में डिफरेंस देखना है किसके मुताबिक, यानी कि आपकी, वो आगे क्वेश्चन में कहता है कि डिफरेंस इन योर पल्स रेट। ठीक है, तो देखें, जब आप अर्थ में हैं तो जो टाइम आपके लिए है वही आपके बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए है। इसका मतलब है कि तब जो पल्स आएगी वो आपके लिए कैसी होगी, एक वैल्यू आ गई। लेकिन जब आप स्पेसशिप में जा रहे हो, तो आप जब स्पेसशिप में जा रहे हो तो क्या आप जा रहे हो, आपकी बॉडी नहीं जा रही, बॉडी भी जा रही है। इसका मतलब है कि जो टाइम आपके लिए होगा वही बॉडी के लिए होगा। इसका मतलब है कि आपको आपकी पल्स के रेट में डिफरेंस फील नहीं होगा, यानी कि नो डिफरेंस। हमने कहा भाई ठीक है, क्यों? क्योंकि आप और आपकी बॉडी सेम काम कर रही है, सेम उस पे स्पीड पे चल रही है। ठीक है, क्योंकि ये जो आइंस्टाइन की थ्योरी है ये बायोलॉजिकल इफेक्ट भी देती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन लेकिन अगर जो लोग अर्थ पे हैं वो तो रेस्ट में है भाई, अगर वो लोग रेस्ट में हैं तो उनकी जो पल्स होगी, और आप चूंकि हरकत में हैं तो आपके लिए टाइम टी है और उनके लिए टी नॉट है। तो इसका मतलब है कि टाइम दोनों में चेंज हो रहा है। अगर टाइम दोनों में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब है कि यहाँ पर पल्स रेट कुछ हो रहेगा उनके लिए और आपके लिए कुछ हो, दोनों के दरम्यान में क्या होगा, पल्स रेट का डिफरेंस होगा। उनके लिए टाइम शॉर्ट है और फास्ट चल रहा है, और आपके लिए स्लो चल रहा है। तो दोनों में टाइम की वजह से पल्स रेट में भी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो आपने इन्हें शॉर्ट में ही करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको ज़रा समझा दूँ, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट वर इनफाइनाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट लामहदूद हो गई है। भी आपने कहा था सर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी से जाहिर करते हैं होती है 3.0×10^8 m/s। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कर लें कि ये हो जाती है इनफाइनाइट लामहदूद, तो व्हाट वुड बी द इक्वेशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ना तीन इक्वेशंस हैं, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। इधर एक है जी टी इज इक्वल टू टी नॉट 1 - v² ओवर सी स्केयर, एक लेंथ वाली है वो एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 - v² ओवर सी स्केयर, और एक हमारे पास है मैस वाली। तो अगर आप इसकी जगह पर सी की जगह ये इन्फिनिटी पुट करें तो आप बताएं कि आंसर क्या होगा। आप सी की जगह इन्फिनिटी पुट करें, नीचे किसी भी एक में मैं कर देता हूँ। इधर ये लें जी, हम मैं सिर्फ इस फैक्टर, क्योंकि यही फैक्टर है ना मेन, तो इस फैक्टर को सॉल्व करता हूँ मैं। जस्ट 1 - v² ओवर c² ठीक है, 1 - v² ओवर इन्फिनिटी का स्केयर, इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, फिर इन्फिनिटी। अगर किसी किसी भी चीज़ को, क्योंकि वी तो अप्रोच कर ही नहीं सकता ना आप, क्योंकि आप तो लामहदूद पे चले गए, तो आप जब इसमें से माइनस करोगे तो इसका आंसर तकरीबन तकरीबन क्या बनेगा, 0। 1 - 0 1 1 = 1। तो इसका मतलब है इन सब की जगह क्या आ जाएगा, 1। तो इधर से टी इज इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एल नॉट हो जाएगा, और एम इज इक्वल टू एम नॉट हो जाएगा। इसका मतलब है जो आपके पास चीज़ें रेस्ट फॉर्म में होंगी वही चीज़ें आपके पास मोशन फॉर्म में, यानी कि आपको ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो इक्वेशन है इनमें कोई ख़ास, बल्कि फ़र्क आपको बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं होगा। समझ आ गई बात की? वैसे इस फैक्टर्स को कहते हैं लॉरेंट्ज़ फैक्टर, यानी कि 1/1 - a। तो खैर, ये डिटेल में हमने पढ़ा था उधर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है सिंस मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अंडरस्टूड के मास एनर्जी की शक्ल है। कैसी शक्ल है? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, यानी कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, आइंस्टाइन इक्वेशन है। अच्छा, कैन वी कंक्लूड डैट अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़ मोर मैस देन द सेम स्प्रिंग वेन इट इज़ नॉट कंप्रेस्ड। अच्छा, बड़ा मज़े का सवाल है, वो ये है, मज़े का मतलब ये नहीं खाने लग जाओ, ये है सवाल
कि देखो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में पड़ा, लेट्स सपोज इसका मास क्या है एम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसे कंप्रेस कर दिया। अब आप बताओ कि इसका नया मास क्या होगा। आपको कहा सर इसका इस इक्वेशन के मुताबिक पहले तो मास एम था क्योंकि इसके अंदर एनर्जी नहीं थी, कंप्रेस्ड है ना। देखो जैसे आप इसे छोड़ोगे ऐसे करेगा, इसका मतलब है कि इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, उस एनर्जी का नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही है। और इस इक्वेशन के मुताबिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, इसका मतलब है कि यहाँ पर अब जो इसका नया मास होगा वो एम प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा एम। अब डेल्टा एम कहाँ से है, वो आएगा इसकी एनर्जी से, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है वो डेल्टा ही है, वो बराबर है डेल्टा एम इंटू सी स्केयर। तो यहाँ से डेल्टा एम जो होगा वो होगा डेल्टा ई डिवाइडेड बाई सी स्केयर, यानी कि जो इसके अंदर नई किस्म की एनर्जी है उस एनर्जी को आप सी स्केयर पर डिवाइड कर देंगे तो नया किस्म का डेल्टा एम मास आ जाएगा, जो कि इस एनर्जी की वजह से इसके अंदर बना पड़ा है। होगा तो नहीं क्योंकि हम रिलेटिविटी में इतने नहीं हैं, लेकिन हम इस इक्वेशन के मुताबिक कहेंगे ये है, तो इसका मतलब आप जो नया मास होगा वो एम प्लस डेल्टा एम होगा। तो अब बताओ ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ये वाली, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़ मोर एनर्जी दैन इट्स अनकंप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है, या नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6, एज अ सॉलिड इज हीटेड। आपने देखा होगा आप किसी भी सॉलिड को हीट करो, लेट्स सपोज आप किसी लोहे की तार या किसी भी बर्तन जो आपके स्टील के होते हैं उन्हें गर्म करते हो, ठीक है। तो आगे है एंड बिगन्स टू ग्लो, तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है। सिंपल से एग्जांपल, आपके पास फिलामेंट है जो बल्ब में होता है, व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर रेड। तो इसकी सिंपल से एग्जांपल, आपके पास घर में छुरी होती है, आप उस छुरी को हीट करो किसी भी चीज़ पर, तो आप देखते हो सबसे पहले वो रेड कलर की होती है, देन फिर वो चेरी रेड होती है, यानी कि वो कलर चेंज करती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले वो रेड कलर ही क्यों शो करवाती है, येलो ब्लू ऑरेंज क्यों नहीं शो करवाती, पहले रेड क्यों होता है। उसकी वजह हमारे पास इधर है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। ये हमारे पास है जी स्पेक्ट्रम, यूं करके इसके अंदर ना जी 7 लोगों का खानदान, ठीक है। इस खानदान में इस जगह एक है जी विजिबल रीजन, फिर इधर है जी अल्ट्रा वायलेट, फिर इधर है जी एक्स, और इधर है जी गैमा, ये हो गया जी 4, ठीक है। और इधर हमारे पास है जी रेडियो, माइक्रो और आईआर इंफ्रारेड। हमें ये लोग नज़र नहीं आते, ये हमारे लिए एलियन है, लेकिन ये नज़र आ सकती है नेक डाई से, वो नज़र आते हैं लेकिन नेक डाई से नहीं आते, हमारे लिए वो नेक डाई के लिए वो एलियन है। इसके अंदर कौन है, इसके अंदर ना जी 7 कलर, वी आई बी जी वाई ओ आर, 7 कलर कौन है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है जी। ये हमारे पास है जी विजिबल के कलर जो कि हमारी आँख देख सकती है। अब है कुछ यूँ कि स्पेक्ट्रम में एनर्जी कुछ यूँ चलती है, यानी कि सबसे कम रेडियो की, फिर माइक्रो की, फिर आईआर की, फिर विजिबल की, और विजिबल में सबसे कम किसकी होगी, रेड की, ऑरेंज की, येलो की, ग्रीन की, ब्लू की, इंडिगो की, वायलेट की, देन फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरे एंड देन गामा रे, समझ आ गया। अब मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में जो फेमस दो फार्मूले हैं ना आप उनको देख लो, वो दो फार्मूले कौन से हैं, वो ये है कि आपको पता है इज इक्वल टू क्या होता है एचएफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है एचएफ। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो एक्सरे की है, गामा रे की है। अब जिस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ रही है ना उसी डायरेक्शन में क्या बढ़ रही होती है आपकी फ्रिक्वेंसी, कि जैसे एनर्जी ज़्यादा उसी डायरेक्शन में फ्रिक्वेंसी। और इसके ऑपोजिट जो है यूं वो है वेवलेंथ, वेवलेंथ। तो देखो जब मैं किसी भी सॉलिड को हीट करूँगा तो शायद आईआर में से भी एनर्जी की रेडिएशंस निकल रही हूँ, लेकिन वो मेरे लिए एलियन है, मैं देख नहीं सकता। लेकिन जैसे विजिबल आएगा तो विजिबल में सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, रेड की। तो इसका मतलब है कि जब एनर्जी सबसे, अब मैं हीट कर रहा हूँ ना, तो क्या ये हो सकता है कि पहले टेम्परेचर उस सॉलिड का हो जाए 50 और मैं जब और हीट करूँ तो 25 हो जाए, नहीं हो सकता ना, वो उसी एनर्जी की सेंस में चले गए, इनके पहले 25 है, फिर 26 होगा, फिर 27, फिर 28, फिर 50 होगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले एनर्जी स्टार्टिंग में स्टार्ट पॉइंट किसका आएगा, ये रेड वाली का। तो इसलिए जब रेड वाली का आएगा तो रेड कलर की फ्रिक्वेंसीज जनरेट होंगी लाइट की, तो वो रेड कलर की फ्रिक्वेंसीज किसके खाते में जाती हैं, यानी कि ये वाली फ्रिक्वेंसी किसके खाते में जाएंगी, रेड कलर की। तो इसलिए उसी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेंगे और उसी एनर्जी को रीमिट करेंगे। जब वो रीमिट करेंगे तो चूंकि वो ज़्यादा वाली कर नहीं सकते लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, तो उसी लेवल की कर सकते हैं या एनर्जी की डेसिपेशन की वजह से कम वाले कर सकते हैं, तो उसी वाली करेंगे तो फिर कौन सा कलर नजर आएगा, रेड कलर नजर आएगा, अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू एच एफ, या इसको एक नई शक्ल भी आपने दी थी
एस सी बाई लैमडा, यानी कि अगर एनर्जी ज़्यादा तो लैमडा कम, तो एनर्जी कम है तो लैमडा क्या होगा ज़्यादा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा लैमडा किधर है विजिबल में रेड कलर, तो इसलिए सबसे पहले कौन सा कलर हमें शो होगा रेड कलर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देख ले, 14 या 13 करने हैं हमने, 7। व्हाट हैपन टू द टोटल एनर्जी फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी विट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ना हमने वो एक फार्मूला पढ़ा था, वो इंटेंसिटी का वो ये था कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा टी की 4, ये था। लेकिन उसके वो एनर्जी कह रहा था, कहता है एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टी 4। अब आपने जो उसका ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को टी की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है 2T, आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को क्या कर दिया डबल। तो अब जो नई एनर्जी बनेगी वो आ जाएगी प्राइम सिग्मा टी प्राइम सिग्मा, सॉरी इसकी हो जाएगी 4, 2T इंटू 4। जब आप देखेंगे तो सिग्मा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 इंटू टी, ये किसके बराबर था, यही के बराबर था, जिसका मतलब है जो नई इंटेंसिटी है या जो नई एनर्जी है वो पुरानी एनर्जी का कितने गुना हो चुकी होगी 16 टाइम्स, क्योंकि टेम्परेचर को आपने डबल किया। तो यहीं पर वो कह देता है कि टेम्परेचर को आपने 3 गुना किया, तो 3 * 9 = 27 और ये 81 गुना हो जाती। ठीक है, तो इसलिए वो फिर हमारे पास वो जो कर्व्स बनी थी प्रीवियस जो हमने टॉपिक था तो वो ऐसी बनी थी। नोट करना, नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वो कहता है क्या बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट एग्जैक्टली ऑफ द सेम एनर्जी, विच बीम कंटेन्स द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया ना उससे मिलता जुलता है। ये देखें आपके पास है जी एक रेड लाइट, यानी कि रेड है, और दूसरी कौन सी है जी ब्लू। ठीक है, एक रेड है और एक ब्लू है, तो मैं दोबारा वो स्पेक्ट्रम ड्रा करता हूँ इधर। तो ये देखें जी, इस तरफ एनर्जी बढ़नी है। ठीक है, तो वी आई बी जी वाई ओ आर, तो ये ब्लू है ये रेड है, तो ज़्यादा एनर्जी किसकी हुई, ब्लू ग्रेटर देन रेड इन एनर्जी। इसका मतलब है कि ब्लू की एनर्जी ज़्यादा और रेड की कम है। फोटोन क्या होता है, फोटोन होता है इज इक्वल टू एच एफ, यानी कि एक स्पेसिफिक पैकेट ऑफ एनर्जी। अब मुझे बताओ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास यार ये एक स्टूल है, इस स्टूल को खींचने के लिए ज़्यादा एनर्जी वाले तो 2 बंदे चाहिए और कम एनर्जी चाहिए इसको खींचने के, लेट्स सपोज 50 जाऊल। तो वो कहता है सर मैं, मेरे पास है जी 50 जाउल अकेले के पास, तो मैं अकेला इसे खींच लूँगा क्योंकि मेरी एनर्जी ज़्यादा है। और किसी और क्लास के छोटी क्लास के बच्चे कहते हैं सर हमारे पास एनर्जी है 10 जाउल लेकिन बंदे हम लगेंगे 5, समझ आ रही, तो वो 5 खींचेंगे। तो सेम वही है, वो जो एक ज़्यादा एनर्जी वाला है वो ब्लू है और कम एनर्जी वाले कौन है रेड। इसका मतलब है कि अगर आपके पास दोनों की एनर्जी सेम है, इसकी और इसकी एनर्जी, यानी कि एक जगह पर वो कहता है, आप क्वेश्चन को देखें, वो कहता है दोनों की टोटल एनर्जी यानी कि नंबर ऑफ टोन्स को मिलाकर एनर्जी सेम है, अगर इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है तो ये सेम कब हो सकती है, अगर इनकी तादाद उनसे क्या हो ज़्यादा हो। इट मीन्स रेड शुड हैव मोर फोटोन्स। इधर फोटोन्स क्या है, फोटोन्स है एनर्जी पैकेट्स, मीन यानी कि मैं इसको नाम दे देता हूँ एक छोटा सा स्टूडेंट्स, यानी कि ये रेड के पास ज़्यादा लोग होने चाहिए, ज़्यादा स्टूडेंट या ज़्यादा बच्चे होने चाहिए या ज़्यादा लोग होने चाहिए जिनकी छोटी छोटी एनर्जीज मिलकर किसकी एनर्जी के बराबर होंगी ब्लू की, क्योंकि उसने कहा कि एनर्जी सेम है लेकिन इसके मुताबिक सेम नहीं है। तो सेम कब होंगी, जब इनकी तादाद ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, तो रेड शुड हैव मोर फोटोन्स, तो रेड के पास ज़्यादा फोटोन्स होंगे तो इन दोनों की एनर्जी क्या हो सकती है बराबर हो सकती है। तो यही क्वेश्चन था कि किसके ज़्यादा फोटोन होने चाहिए, तो वो रेड के होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच फोटोन रेड ग्रीन ब्लू कैरीज द मोस्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी इससे मिलता जुलता है 8 से, मैंने कहा था ना ये सारे मिलते जुलते हैं। तो आपने बताना कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, कौन है रेड ग्रीन एंड ब्लू। लो जी, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि किसकी, इसके लिए R, इसके लिए G और इसके लिए B, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी। तो आपको बताया इस तरफ जाते हो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो इसी डायरेक्शन में आपकी एनर्जी भी
बढ़ रही है, तो सबसे कम एनर्जी क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू ई, यहाँ एनर्जी तो सबसे कम किसकी होगी रेड की, फिर रेड के बाद कौन है ग्रीन, तो फिर किसकी होगी ग्रीन की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी ब्लू की, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ ई इज इक्वल टू एच एफ। ठीक है, अब दूसरी चीज़, एक और फार्मूला हमारे पास, वो है E इज इक्वल टू पी इन टू सी, यानी कि P इज द मोमेंटम, C इज द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। अगर अगर यहाँ से ये क्लियर नहीं होता तो इसकी एक और हमारे पास स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ है कि यहाँ से ये जो है पी सी इधर से बराबर आ जाता है एच एफ से, तो इसका मतलब है पी डायरेक्टली टू एफ, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। तो इधर मैं लिखूँगा विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, तो सबसे ज़्यादा मोमेंटम किसका होगा ब्लू का, सबसे कम रेड का, उससे कम ग्रीन का, और उससे कम ब्लू का। ठीक है, तो मोमेंटम और एनर्जी के लिहाज से ये सेम चलेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है कि एनर्जी ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा, या मोमेंटम ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा, तो इधर जाते हो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी फिर रेड की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टेन में वो कहता है विच हैज़ द लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स और एक्सरे वेव्स। ठीक है, तो ये फिर दोबारा हमें स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा यूं करके, तो इस स्पेक्ट्रम में आपको बताया था कि इधर आपके पास है एक्सरेस और इधर इधर आपके पास है रेडियो वेव्स। ठीक है, और दूसरा उसने क्या पूछा एक्सरेस, और इधर आपके पास है माइक्रो आईआर, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, और इधर आपके पास है जी एक्सरेस, और इधर है जी गामा रेस। तो आप बताओ कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, इधर जाते हो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, तो E इज इक्वल टू फार्मूला ऑफ एच एफ, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो इसके मुताबिक जो रेडियो वेव्स हैं, कौन सी वेव्स, रेडियो वेव्स हैज लेस फ्रिक्वेंसी देन एक्स रेज, सो दे हैव लेस एनर्जी देन एक्स रेज। ठीक है, तो ये बड़ा शॉर्ट सा आंसर है, ठीक है, तो बड़ा शॉर्ट सा आंसर है रेज या वेव्स। ठीक है, अच्छा ये हो गए हमारे पास 10 क्वेश्चन, आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डज ब्राइटनेस ऑफ बीम ऑफ लाइट प्राइमली डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन और द नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, ब्राइटनेस डिपेंडेंस ऑफ ब्राइटनेस, देखो अगर मैं बात करता हूँ फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रिक्वेंसीज आपको हमारे वो स्पेक्ट्रम के तभी क्या शो करवाती है कलर, इसका मतलब मैं फ्रिक्वेंसी चेंज करूँगा तो क्या चेंज होने शुरू हो जाएंगे कलर्स। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी से तो कलर चेंज होते हैं, लेकिन ब्राइटनेस देखते हैं कि ब्राइटनेस से क्या होता है। ब्राइटनेस आपने कहा सर यार कमरे में लाइट कम है, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं ब्राइटनेस को ज़्यादा कर देता हूँ, तो ब्राइटनेस ज़्यादा करने से क्या कलर चेंज होगा या कमरे के अंदर ज़्यादा एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। आपने कहा सर आप ब्राइटनेस का मतलब कह रहे हैं यानी कि हाई एनर्जी कह रहा हूँ, मोर एनर्जी लैंप, यानी कि आपने कहा सर आपके रूम में ना 18 वाट का ये लैंप लगा हुआ तो बोर्ड सही नहीं आ रहा, आप ऐसे करें आप इसे 30 वाट वाला लगा लें। तो जब मैं 30 वाट वाला लगाऊंगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि 30 वाट वाले के मतलब है एनर्जी ज़्यादा तो ये कलर चेंज कर देगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर 18 वाट वाले से लेट्स सपोज 18 फोटोन आ रहे थे, अब उधर से उसी एनर्जी के कितने फोटोन आएंगे 30, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ फोटोन के इंक्रीज हुए कैसे, जब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा आपने कहा सर कमरे में क्या बढ़ गई ब्राइटनेस, तो आपको चीज़ें साफ नज़र आने लगी, इसका मतलब है कि ब्राइटनेस के बढ़ाने से फ्रिक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हमने देखा था,
और क्या किस पे फ़र्क पड़ेगा, ब्राइटनेस पे, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ज़्यादा फोटॉन्स अगर स्ट्राइक करेंगे तो आपको उतनी ही जगह पर ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, यानी कि इंटेंसिटी के सेंस में आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 11। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल्स ऑन अ सर्टेन डाइस, डाइस कहते हैं जैसे कपड़े हैं, जैसे ये मेरे कपड़े हैं, इनके ऊपर लेट्स सपोज अल्ट्रा वायलेट लाइट गिर रही है, ठीक है, विजिबल लाइट इज इमिटेड, व्हाई डज दिस नॉट हैपन व्हेन IR लाइट फॉल्स, इंफ्रारेड लाइट फॉल्स ऑन दिस डाइस। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास है जी स्पेक्ट्रम दोबारा, लेकिन इसमें मैं तीन लोग ही बनाऊंगा, आपको पता है यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट है, यहाँ पर विजिबल है और यहाँ पर IR है, ठीक है। तो हुआ कुछ यूँ कि ये जैसे डाइज हैं कोई भी, इसके ऊपर आकर कौन सी लाइट गिर रही है और कौन सी रेज गिर रही हैं, UV। तो होगा क्या कि इसके एटम्स इनकी एनर्जी E=hf के मुताबिक अब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जब अब्जॉर्ब करेंगे तो अगर हम कहें कि भाई जितनी अब्जॉर्ब की उतनी इमिट करेंगे तो अल्ट्रा वायलेट होगा तो हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन चूंकि एनर्जी कुछ ना कुछ डेसिपेट हो जाती है कुलेंस शिलेंस में, तो क्या होगा कि इसकी एनर्जी कम होकर, यानी कि अब्जॉर्ब ये हुई लेकिन इमिट जब होगी तो इससे कम वाले लेवल में होगी, इससे कम कौन है, विजिबल, तो विजिबल हमारी आँख देख सकती है, तो जो इमिट हुई वो कौन सी हुई, विजिबल वाली, तो हमें कलर्स नज़र आते हैं, समझ आ गई बात की, हमें उस चीज़ में से कलर नज़र आ, क्योंकि लाइट इमिट हो रही है ना उनमें से, तो हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे मेरे ये रेड कलर की शर्ट है, क्यों नज़र आ रही है, इसके ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो वो लाइट अब्जॉर्ब हो रही है और उसी कलर की लाइट इमिट हो रही है, ठीक है, यानी कि लाइट अब्जॉर्ब हो रही है और रेड कलर की इमिट हो रही है, तो हमें ये शर्ट रेड कलर की नज़र आ रही है, या ये ब्लू या ग्रीन क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यही सेम चीज़ इधर है। लेकिन अगर इसके ऊपर गिरे कौन, IR, तो जब IR गिरेगा तो ये होगा कि IR से पीछे वाला इमिट होगा, ज़्यादा एनर्जी वाला तो इमिट नहीं हो सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये तो हो नहीं सकता कि गिरे ये और मिले ये, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू E=hf, तो इसलिए इसमें से जो भी निकलता है वो भी निकलता है फार IR मीन के IR से भी पीछे वाला, तो जब वो पीछे वाला निकलता है तो वो वैसे भी हमारे लिए एलियन है, क्योंकि हमें सिर्फ विजिबल नज़र आता है, तो इसलिए हमें कलर्स नज़र नहीं आते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं, 13 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस देन डिमर लाइट ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, ऐसे कह लो मुकाबला है जी, ब्राइट लाइट वर्सेस डिमर लाइट, इसका आंसर वो क्वेश्चन नंबर 11 में अभी हमने देखा है। तो इसमें ये देखो कि अगर ये मेरे पास कोई मेटल सरफेस है, लेट्स सपोज, तो इसके ऊपर मैं कहता हूँ भाई एक वन इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज अगर फ्रिक्वेंसी हमने थ्रेशोल्ड वाली रख ली है, या वो फ्रिक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं वो है उस लाइट की, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि यहाँ तो वो लाइट ब्राइट है और एक बार वो डिम है, तो वन इलेक्ट्रॉन पर फोटोन, मैं तो लिख देता हूँ पर बंदा, एक बंदे के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि ब्राइट लाइट होगी तो आपने कहा नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, अगर डिमर लाइट होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर बौछाड़ कर दी जाए किन की, नंबर ऑफ फोटॉन्स की, नंबर ऑफ फोटॉन्स की तादाद मीन्स कि आप कौन सी लाइट का यूज़ करना चाह रहे हो, ब्राइट लाइट का, तो जब ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोटॉन है, लेट्स सपोज, इसका मतलब अगर ज़्यादा फोटॉन्स आएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस सरफेस में से निकलेंगे, तो इसका मतलब है ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर इसी कंडीशन को हम यूं कर दें, हम कहें भी बहुत कम है जी सर, बहुत कम आपके निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने कहा आपकी लाइट तेज़ है कम है, उसने कहा सर कम है, तो मैंने कहा अगर लाइट कम है तो आने वाले लोग कम है, अगर चार लोग हैं तो चार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो इसका मतलब है लेस इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट फ्रॉम मेटल सर्फेस, तो ब्राइट लाइट, इसका ओवरऑल फिर आंसर क्या बना कि ब्राइट लाइट कंटेन्स मोर फोटोन्स, मोर फोटोन्स मीन के मोर फोटोन जाके स्ट्राइक करेंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन्स विल इमिट, तो इट मीन्स के ब्राइट लाइट विल इजेक्ट मोर फोटोन्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 13, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, विल हाई लाइट इजेक्ट्स ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैन लो फ्रिक्वेंसी लाइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को अब आपने याद रखना है, तो इसी में क्वेश्चन नंबर 14 छुपा हुआ है, ये देखिए यहाँ तक ही करने हमने। क्वेश्चन नंबर 14 वो कहता है कि सेम, वो कहता है कि आपके पास व्हेन हायर फ्रिक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, तो ये इसी पे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि भाई फ्रिक्वेंसी
अब कंपैरिजन किसका है, हाई फ्रीक्वेंसी वर्सेस लो फ्रीक्वेंसी। अब उसके मुताबिक हमने इक्वेशन लिखी थी कि जो फर्दर हमारे पास ये है, जो यहाँ से कह लो कि जो जितनी भी आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो होगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू HF माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है कि हमने क्या किया कि एक बार मेटल सरफेस के ऊपर रेड कलर की लाइट फेंकी, तो हमने कहा रेड की फ्रिक्वेंसी कम है ये रही, और एक बार हमने ब्लू फेंकी, आपने कहा सर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि कौन सी वाली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगी अगर दोनों की लाइट सेम हो, यानी कि या तो दोनों ब्राइट हों या दोनों डिम हो। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स दोनों में सेम हो। तो मुझे बताओ होगा क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये कहा था कि अगर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली फेंकोगे तो होगा क्या कि उस ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में से जितनी उस मेटल का वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन मीन कि वो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो ज़ाया हो जाएगी, मतलब वो उससे ले ली, जो बाकी होगी वो उस इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये नहीं होगा कि जो बाकी एनर्जी बची हो कि चलो ये इतनी बच गया तो साथ वाले को दे दें, चल तू भी या मेरे साथ हम भी याशी करते हैं, नहीं ये नहीं होगा। वो क्या होगा कि याशी एक को ही करवाएगा, वो क्या करवाएगा कि लेट्स सपोज अगर ये ऊपर से लाइट आई हमारे पास, तो इसने यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकाला है तो अगर रेड कलर होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी बनेगी, लो काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि रेड कलर की फ्रिक्वेंसी कम है, वर्क फंक्शन दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि सेम मेटल है, तो जो बाकी बचेगा आंसर वो कम बचेगा, तो इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन बड़ी स्लोली मूव कर रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम फेंकते हैं ब्लू लाइट तो होगा क्या, ठीक है ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली लाइट जब फेंकेंगे तो इसमें से अब भी उतना ही माइनस होना है, लेकिन जो नेट आंसर काइनेटिक एनर्जी का बचेगा वो कैसा बचेगा, हाई। इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों कंडीशन में चाहे आप हाई फेंको चाहे लो फेंको इलेक्ट्रॉन एक ही नहीं कर रहा है, सपोज हमने किया एक पे एक फोटोन पे, तो इसका मतलब है कि चाहे आप हाई फ्रिक्वेंसी की फेंको चाहे आप लो फ्रिक्वेंसी की फेंको, अगर वर्क फंक्शन के ऊपर वैल्यू ज़्यादा है उनकी तो दोनों कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, सेम, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन नंबर 13 के मुताबिक जस्ट डिपेंड करते हैं कि आपकी लाइट की यानी कि ब्राइटनेस ज़्यादा है या वो लाइट डिम है। ये थे आपके 14 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 19 के। ठीक है, तो इनको आप तैयार कर लें, और जो आपके पास बाकी के जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और इधर आपको पिन भी कर रहा हूँ, तो जब वीडियो बनेगी तो इधर पिन हो जाएगा, तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।